सौरभ, आज का दिन जैसे कि पारस भी हमें लगातार बता रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरफ सबकी निगाहें फ्लोर टेस्ट पे रहने वाली हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिवसेना का आगे भविष्य क्या है, क्योंकि अब बात शिवसेना के वजूद पर आ गई है। देखिए मल्लिका, बहुत महत्वपूर्ण दिन तो है ही, लेकिन बहुत आसानी से ये पूरा दिन निकल जाएगा, ये कहीं ना कहीं हम लोग को कल इसकी तस्वीरें साफ दिख गई है। जिस तरीके से स्पीकर के इलेक्शंस हुए कल, और देखे कि ज्यादा उतना हंगामा नहीं हुआ। हमने सोचा था कि बहुत ज्यादा हंगामा होगा जब एकनाथ शिंदे और उद्धव सेना के जो लोग हैं आमने सामने मिलेंगे एक दूसरे के, किस तरीके से क्या नजरें मिलाएंगे, क्या बातचीत होगी, किस तरीके का इंटरेक्शन होगा, लेकिन साफ तौर पे हमने देखा कि बहुत स्मूथली ये सारा प्रोसेस चला गया। अब मल्लिका, हमने शायद इतना स्मूथली प्रोसेस सोचा नहीं था, हमने सोचा था कि शायद कुछ ना कुछ थोड़ी तो अनबन जरूर होगी। आज का दिन अगर जो देखें कि आज फ्लोर टेस्ट है, ये फ्लोर टेस्ट ऐसी चीज है जो उद्धव ठाकरे कभी नहीं चाहते थे। वो इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली, और इसी बीच एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन स्पीकर द्वारा लिया गया। देखिए, स्पीकर तो एकनाथ शिंदे और बीजेपी का ही है, राहुल नार्वेकर जो कोलाबा से एमएलए है वो अब स्पीकर बन गए हैं, यंगेस्ट स्पीकर पूरे देश के है, सिर्फ 45 साल की उम्र में वो स्पीकर बन चुके हैं। उन्होंने फैसला लिया है मल्लिका कि एकनाथ शिंदे ही शिवसेना लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर है और जो चीफ व्हिप है, चीफ व्हिप भरत गोगावले है। अब इसे होता क्या है, देखिए जो मेजोरिटी जो फिगर्स है वो तो एकनाथ शिंदे और बीजेपी के पास है, लेकिन उद्धव सेना के जो 16 लोग हैं अब इस फ्लोर टेस्ट में वो वोट नहीं करते सेना और बीजेपी के फेवर में, तो उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है। अब ये 16 लोग कौन है, सबसे पहले तो आदित्य ठाकरे आ जाते हैं, फिर अनिल परब आ जाते हैं, सुभाष देसाई आ जाते हैं, अजय चौधरी आ जाते हैं, संजय कोटनीस आ जाते हैं, तो ये सारे तमाम जो बचे कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स है सेना के, अब ये लोग अगर जो एकनाथ शिंदे और बीजेपी के लिए जाहिर से तौर पर उनके लिए वोट करेंगे नहीं, ये तो हमें दिख ही रहा है, तो वो अगर जो वोट नहीं करेंगे मल्लिका, तो साफ तौर पे उन पर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है, और हमें यह बताया जा रहा है कि उनको जल्द ही नोटिस भी इश्यू किया जाएगा। रही बात आज के फ्लोर टेस्ट की, ये तो बात, लेकिन सेकेंड थिंग जो आप सबसे इंपॉर्टेंट बात कह रही थी मल्लिका कि शिवसेना का आगे होगा क्या। देखिए, हमें जो सोर्सेस ने बताया है कि तमाम सीनियर लीडर्स जो 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 पार्टी को ग्राउंड पे आगे लेके जाते थे वो सारे के सारे अब एकनाथ शिंदे के पास है, तो जाहिर सी बात है विभाग प्रमुख हो, शाखा प्रमुख हो, कॉर्पोरेटर्स हो, वो सारे के सारे लोग अभी एकनाथ शिंदे के साथ है। आने वाले समय में अब बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। पिछले 25 साल से मल्लिका आप देखिए, पिछले 25 साल से शिवसेना का राज बीएमसी पर है, मतलब कोई एक राज्य की अगर जो बात करें कि उतना बजट नहीं होगा, सिर्फ बीएमसी का बजट उतना होता है, 45,000 करोड़ का पिछले साल का बजट था, आप समझिए कि कितना बड़ा बजट होता है। और इस बीएमसी पर पिछले 25 साल से शिवसेना राज कर रही है। अब हमारे सूत्र जो हमें, आज तक के सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि 4 शिवसेना के एमपीज है वो अब कोशिश कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के साथ पैचअप कर ले। उनका ये कहना है चलो पिछले कुछ दिनों में जो भी हो गया, जो मनमुटाव थे उसे अब हम साइड में रख के हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो ओरिजिनल अलायंस था बीजेपी के साथ उसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। अब क्लोज डोर मीटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है मल्लिका, मैं आपको बता दूं ये जो 4 एमपीज है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक बार फिर से दोनों एक दूसरे से बात करें, क्योंकि पार्टी में कहीं ना कहीं आवाज आ रही है कि जिस तरीके से ये सेना आपस में जो डिवाइड हो गई है वो फिर से एक हो जाए, और जो उनका ओरिजिनल अलायंस है बीजेपी उनके साथ वो फिर से मिल जाए। ये बात रही अंदर की क्लोज डोर मीटिंग्स की, लेकिन जो वजूद अब उद्धव ठाकरे को दिखाना है, देखिए आज भी उद्धव ठाकरे अपने घर से बाहर निकलने वाले हैं, शिवसेना भवन जाने वाले हैं और लोगों के बीच जाकर बातचीत करेंगे। यही सबसे बड़ा सवाल जो रिबेल एमएलएस है, जो बागी एमएलएस है, उन्होंने उठाया था कि उद्धव ठाकरे तो अपने घर से निकलते नहीं है, जब मुश्किल की घड़ी होती थी तो एकनाथ शिंदे के दरवाजे हमारे लिए खुले रहते थे, और दूसरी अगर जो बात करें तो कांग्रेस और एनसीपी को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता था और हमें तो कोई पूछता भी नहीं था, हम तो ब्यूरोक्रेट्स पूछते नहीं थे, हम किस काम के थे, हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोग सवाल पूछते थे। तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अब क्या कर रहे हैं, जब से ये पूरा ब्लंडर, पॉलिटिकल ब्लंडर सामने आया है मल्लिका, वो लोगों के बीच बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। मैंने खुद कभी इतना सेना भवन उद्धव ठाकरे को जाते हुए नहीं देखा,
इतने सालों से हम शिवसेना को कवर कर रहे हैं। अगर पिछले 2.5 साल की भी अगर जो बात करूं तो सेना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कब ली थी, जब 2019 के चुनाव के रिजल्ट आए थे। उसके बाद शिवसेना भवन इतनी बार उद्धव ठाकरे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं अब वो बताना चाहते हैं कि सेना का जो असली नेता हूँ वो मैं हूँ और लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे में पैचअप हो जाता है तो सेना के लिए बिल्कुल फायदेमंद होगा और वो अपने ओरिजिनल अलायंस बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और इसी बीच मल्लिका, आखिर में ये कहना चाहूंगा कि इसमें जो शरद पवार का आज जो स्टेटमेंट आया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आप थोड़ा और दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से उन्होंने कहा है कि अगले छह महीने में उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है। मल्लिका देखिए, बहुत सबसे पावरफुल नेता है, महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत बारीकी से जानते हैं। चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, वो शरद पवार को बहुत मानता है। अभी भी वो ग्राउंड लेवल के नेता है। मैं आपको बता दूं, फाइल लेके घर से निकलते हैं और ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करते हैं। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि अगले 6 महीने में एकनाथ शिंदे की सरकार गिर जाएगी।